सच जे न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि इसकी वजह से आप और हम जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंच पाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। छुट्टियों से लौटते ही राहुल गांधी ने किया एक बड़ा ऐलान, मुश्किल में फंसी मोदी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुके हैं। गौरतलब है, लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले तीन राज्यों में मिली जीत ने राहुल गांधी को उत्साह से भर दिया है। यही वजह है राहुल गांधी अपने इसी उत्साह को कायम रखते हुए लोकसभा चुनाव 2019 में परिणाम बदल देना चाहते हैं, जिसे वो अपने पक्ष में करना चाहते हैं। गौरतलब है कि तीन राज्यों में सरकार बनने के बाद राहुल गांधी कुछ दिनों से छुट्टियों पर थे। छुट्टी से लौटते ही उन्होंने कर दिया बड़ा ऐलान, जिसके चलते मोदी सरकार की बढ़ गई हैं चिंताएं। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बढ़ाते हुए ऐलान किया कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार किसानों की कर्ज माफी को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक हम ना सोएंगे ना उन्हें सोने देंगे। यही वजह है कि कुछ समय पहले तक किसानों को राहत देने के लिए प्लानिंग में जुटी मोदी सरकार राहुल गांधी के इस ऐलान से मुश्किल में फंस गई है। हालांकि यदि अब मोदी सरकार किसानों के कर्ज को माफी का ऐलान कर भी देती है तो इसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी के पास चला जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्र सरकार की तरफ से पूरे देश भर में कर्ज माफी की बात को ठुकरा दिया है और उन्होंने इस पर कहा है कि इस बारे में फैसला राज्य सरकार को करना है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि कर्ज माफी का वादा चुनावों में जीत की गारंटी बनता रहा है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राहुल गांधी का यह बड़ा ऐलान मोदी सरकार के लिए एक मुसीबत बन सकता है। हालांकि मोदी सरकार राहुल गांधी का तोड़ कैसे निकालती है, इस बारे में अगर आप कुछ भी बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज़।